good morning my dear students today we will read a new chapter chapter number 5 and the name of the chapter is the warrior king warrior means yodha fighter king means raja so in this story students are you listening please listen in this story or in this chapter we are going to learn about a king who was very brave and very good person person who kept his kingdom very happy what um, and free from the enemies okay so how he become very brave and how he kept his kingdom happy those things we will come to know by the reading of the chapter but before going to uh, sorry let's start reading the chapter but students before going to read एज आई सेड यू दैट वेन एवर यू गेट न्यू वर्ड और हार्ड वर्ड्स यू कैन नोट डाउन ईट इन योर कॉपी विद यर हिंदी मीनिंग आपको जैसे ही आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे वो आपको क्या करना है आपके कॉपी में नोट करना है और फिर उसको हिंदी मीनिंग के साथ याद करना है ओके सो नाउ लेट्स यू कैन लुक योर पेज देयर आर सम वर्ड्स ओके एंड दीज वर्ड्स आर द क्वालिटीज ऑफ अ किंगीन्स ये किंग की क्वालिटीज है बट हियर इज सेंग दैट यू रीड दीज वर्ड्स सर्च द हिंदी मीनिंग्स फ्रॉम योर डिक्सनरी एंड थिंक That this word is appropriate for a king or no? ये जो word है ये आपको हिंदी meaning जैसे ही पता चलेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे और फिर आपको क्या करना है आगम आपको लगेंगे कि एक राजा की बीच में एक राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए ये क्वालिटी ये क्वालिटी रहना चाहिए तो आपको क्या करना है उस क्राउन को कलर करना है और जो नहीं होना चाहिए उसको एम छोड़ देना है ओके उसको खाली रखना है क्राउन्स, ये लुक लाइक राजा के जो हेड के ऊपर रहते हैं ना क्राउन्स वो सो लेट्स रीड द चैप्टर प्रताप सिंह वाज द एल्डेस्ट सोन ऑफ महाराणा उदय सिंह द रूलर ऑफ मेयर मीन्स मेयर के जो रूलर थे वो महाराणा उदय सिंह उनके एल्डेस्ट सौन सबसे बड़े बेटे कौन थे प्रताप सिंह थे ओके अब मेयर वाज एन इम्पोर्टेंट किंगडम मेयर जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किंगडम थे इन राजस्थान राजस्थान की विथ इट्स कैपिटल एट चितर तो राजस्थान की मेयर की जो कैपिटल थे वो कहाँ थे चित्तर में थे और ये राजस्थान में थे है ना तो द लिटिल प्रिंस वाज अ ब्रेव काइंड बॉय जो लिटिल प्रिंस थे महाराणा उदय सिंह के जब वो छोटे बेटे छोटे थे वो प्रताप सिंह तब बहुत ही क्या थे ब्रेव थे और काइंड भी थे दयालु भी थी ही वॉज़ मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग विथ वेपन दैन डूइंग साम्स और लर्निंग लैंग्वेज वो क्या थे बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे स्पोर्ट्स से में भी और लर्निंग डिफरेंट लर्निंग लैंग्वेज

सभा में जितने सारे ऑफिसर्स थे जितने सारे नोबेल पर्सन थे सभी लोगों ने ये प्रताप सिंह को बहुत एडमायर किया एडमायर मीन्स प्रशंसा किए वेन द प्रिंस वी एट ईयर्स ओल्ड जब वो प्रताप ट्वेंटी एट ईयर्स की हो गए अट्ठाईस साल की हो गए गई कैप्चर्ड बाय द मुगल्स मुगल जो शासक थे मुगल जो साम्राज्य थे तो उन्होंने क्या किया चित्तर को कैप्चर्ड कर लिया मीन्स पकड़ लिया उनके वहाँ पे क्या बोलते हैं राज करने लगे नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर फोर्टी वन वट इज सेयर ना द लूज ऑफ हिज होम मेड प्रताप वेरी सैड जैसे नहीं ये सुना की मुगल ने चित्र को कैप्चर किया पकड़ लिया उनको राज करने लगे तो ये प्रताप को बहुत ही सैड बनाया हिज फादर मूव्ड द कैपिटल टू उदयपुर फिर उन्होंने उनके पापा क्या किया वहाँ से चित्तौर से कहाँ पे गया उदयपुर बट प्रताप वोड दैट ही वुड गेट चितर बैक वन डे तो जैसे ही उन लोगों ने वो मीन्स लूज किया वो चित्र को तो फिर ये वर्ब्ड मतलब क्या है याज द मीनिंग ऑफ वर्ब्ड मीन्स प्रोमिस्ड किया कि एक दिन ना एक दिन मैं चित्र को वापस ला के रहूँगा आफ्टर द डेथ ऑफ हीज फादर प्रताप बिक्रम द महाराना ऑफ मेयर आप उदय सिंह के उनके पापा के प्रताप सिंह के पापा के जैसे डेथ हो गए तो उनके मीन्स फिर वहाँ के किंगडम में कौन राजा बने ना प्रताप सिंह बने पापा की डेथ के बाद बड़े बेटे ही राजा बनते हैं है ना तो ये एनसीन टाइम में हमने बहुत सारे स्टोरीज में पढ़ा है बहुत सारे मूवीज़ भी देखा है है ना

एम मीन्स वो लड़ाई कर कैसे लड़ाई वो लड़ाई की मीन्स विरुद्ध कैसे करना है मुगल के विरोध ये वो ट्रेंड करने लगा किन को ट्रेंड लग, करने लगा ना बहुत जिन लोगों को उन्होंने गेदर्ड किए थे बहुत सारे आर्मी को फिर क्या हुआ टुडे आई टेक ऑन ओथ दैट अनटिल चितोर इज़ फ्रीड आई विल इट फूड फ्रॉम अ लिप प्लेटर स्लीप ऑन द फ्लोर एंड स्टे इन अ हार्ट फिर उन्होंने क्या किया ओत किया प्रोमिस किया यहाँ पे ओत जो वर्ड है इसका मतलब भी प्रोमिस्ड किया क्या प्रोमिस्ड किया कि ज, जितने दिन तक मैं चित्र को ये नहीं कर पाऊंगी मीन्स उनको वापस नहीं पाऊँगी वो क्या करेंगे ना आई विल आई विल ईट फूड लीप प्लेटर मीन्स जो पत्ती होते हैं ना वो पत्तियों को प्लेट बना के पत उसमें खाएंगे फिर स्लीप ऑन द फ्लोर फ्लोर में मीन्स सोएंगे एंड स्टे इन अ हार्ट मीन्स हार्ट मीन्स हार्ट का मतलब क्या होते हैं जो मेड बाय लकड़ी ओके लकड़ी से बने हुए घर पे वो सोएंगे ओके नेक्स्ट क्या हुआ देखो माई ब्रेब ब्रदर्स आई एम श्योर दैट यू विल सपोर्ट मी इन एवरी वे एवरी वे Till this promise is fulfilled. The man of mayor promised the Maharana that they would fight till their last. ब्रीथ अब ये लोगों ने सभी ने प्रॉमिस किया और प्रताप ने सभी आर्मियों को बोला कि माय डियर ब्रदर्स मैं श्योर हूँ कि सभी लोग प्रॉमिस करिए कि जब तक हम चित्र को वापस नहीं लाएंगे हम प्रॉमिस ये हम फुलफिल नहीं करेंगे द मैन ऑफ मेयर प्रोमिस द मोहराना दैट दे वुड फाइट टिल देयर लास्ट जब मैं सांस जितनी देर तक सांस रहेंगे वो लोग मुगल लो, राजा के साथ युद्ध करेंगे ओके ना कम टू द नेक्स्ट पेरा, द टू एनिमीज अ अल हल्दी गेटिंग ओके हल्दी घाटी मीन्स द टू एनिमीज एनिमीज मीन्स शत्रु ओके वो जो उनके दुश्मन थे वो कहाँ पे मिले हल्दी घाटी में द मुगल आर्मी वॉज मच लार्जर इन साइज एंड स्ट्रेंथ मीन्स मुगल जो आर्मी थे वो लोग ये चित्तौर के मीन्स ये मेयर के आर्मियों से ज्यादा क्या थे बड़े थे और स्ट्रेंथ पावर भी थे उनके बट आर्मी फोर्ट ब्रेवली फिर भी वो मेयर के जो आर्मी थे उनके साथ फोर्ट मीन्स युद्ध किया बहुत ही साहस के साथ द महाराणा गॉड ऑन हीज हॉर्स चेतक चेतक एंड चार्ज टुवर्ड्स राजा मैन सिंह लीडिंग द मुगल आर्मी मैन सिंघल सिंग्स एलिफेंट इंजॉयड बो द महाराणा एंड हीज हॉर्स द मुगल आर्मी बिगन टू शराम मीन्स ये लोग अभी वो ये चित्तौर के जितने सारे थे वो लोग घड़े पे थे और मुगल के कहाँ कौन में थे हाथियों में थे और फिर दोनों लोग क्या करने लगे युद्ध करने लगे उनके चार पास में वो लोग युद्ध करने लगे चेतक न्यू ही हैड टू सेव हीज मास्टर फिर जो चेतक थे उनके जो राजा थे मुगल की वो क्या थे वो वो उनको क्या पता था वो उनके मास्टर को सेव करना था ही क्राइड थ्रू ही वॉज हर्ट ही लिफ्ट एक्रॉस अ वाइड पास एंड टूक द महाराणा टू अ सेफ प्लेस देन चेतक

यू कैन कैन यू सी यू कैन सी दिस इमेज हियर यू विल सी वो जब जैसे ही राजा प्रताप सिंह थोड़ा सा घायल हुआ तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे जोर से एक लिफ्ट लिया बहुत ही लाफ किया और फिर राजा को लेके भाग गए और एक सेफ प्लेस में लेके गए वो सेब प्लेस में लेके के बाद चेतक क्या हुआ उनके डेथ हो गए वो मींस सांस तक किए ओके जैसे ही चेतक उस प्लेस में उनके सांस ने जो सेंस सांस थे वो बंद हुए वहाँ पे उन्होंने महाराणा राजा ने क्या किया ना महाराणा बिल्ट अ ब्यूटीफुल गार्डन दे आर फॉर हिज ब्रेव हॉर्स उनके ब्रेव हॉर्स के लिए वो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाया सो डियर स्टूडेंट्स आई होप अप टू हियर यू हैव अंडरस्टूड यू रीड दिस चैप्टर एंड and tomorrow means in our next class we will complete um, this chapter by the understanding also and reading also so thank you very much have a good day